लंग्स कैंसर, दमा और टीबी जैसे बीमारियों का इलाज अब आसान हो सकेगा। एक जीन की खोज की गई है जिससे ये शोध संभव हो सकेगा। रांची के ही छात्रों ने एक प्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर इस शोध को पूरा किया है। देखिए जीन की पूरी खोज पर हमारी ये रिपोर्ट। रांची के विभिन्न कॉलेजों के युवा शोधकर्ता इन दिनों रांची को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रांची के डीजी एनालिटिक्स रिसर्च सॉल्यूशन के अनुभवी वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश नितिन के नेतृत्व में अलग अलग बीमारियों के समाधान के लिए रिसर्च कर रहे हैं। पिछले दो साल में अब तक रांची के इन युवा छात्रों ने अलग अलग विषयों पर करीब 8 बड़े शोध किया है, जिसका रिसर्च पेपर को इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित किया गया है, जो रांची जैसे छोटे शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ के कुछ छात्र ने, जैसे कि मोहम्मद आमिश जो जेवियर ग्रेजुएशन बायोटेक का छात्र है, वो मेरे मार्गदर्शन में अपना ग्रेजुएशन का इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ किया, और उस दौरान उन्होंने एक ऐसा रिसर्च पे काम किया जिसमें उन्होंने 3 डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़, जैसे लंग कैंसर हुआ, आस्थमा हुआ और ट्यूबरकुलोसिस, ये तीनों पर जीन्स लेवल में, क्योंकि जीन इंसान का बहुत ही वाइटल चीज़ है, वो जीन्स इंसान में लाखों जीन्स में से उन्होंने स्क्रीन करके कुछ ऐसे जीन्स खोजे हैं, जो 5 जीन्स हैं जो तीनों बीमारियों में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, और ये जीन्स उनके खोजने से हमारे अंदर अब वो जीन्स पे हम लोग ड्रग्स पे काम कर रहे हैं कि जिस तरह का दवाई बना सके नेचुरली प्लांट्स पे, क्योंकि झारखंड में पौधा जो हमारे पास है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्राकृतिक पौधा इसका अंबार भरा हुआ, जिससे अनेक प्रकार की नेचुरल औषधि बनती है। दुनिया भर में मधुमेह के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रांची की रहने वाली रिसर्च स्कॉलर रिचा गोयल मधुमेह के बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पिछले कई महीनों से रिसर्च कर रही है। रिचा को काफी हद तक सफलता हाथ लग चुकी है। रिचा ने कहा कि उनके द्वारा रिसर्च से आने वाले समय में दुनिया भर के लोगों को मधुमेह के इस बीमारी से लड़ने में कामयाबी मिलेगी। रिसर्च हम डायबिटीज पे कर रहे हैं, और हम एक ऐसा ड्रग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, फ्रेंडली हो, हेल्थ फ्रेंडली हो, और प्रॉब्लम को जो है सो बीटा सेल जो डेथ हो रही है जिसकी वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, वो उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सके, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाने की ज़रूरत ना पड़े, तो हमारा यही आज टारगेट लेके चल रहे हैं। कोरोना के संक्रमण काल में लोगों ने अपनों को खोया, और कोरोना के संक्रमण ने लोगों को काफी कुछ सिखाया भी है, इसलिए रांची के रहने वाले बीआईटी मिश्रा से पढ़ाई कर जेएनयू और यूरोप तक का सफर तय करने के बाद डॉक्टर मुकेश अब अपने राज्य को अपने ज्ञान से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे जैसे बहुत सी छात्र, मेघावी छात्र है झारखंड में जिन्हें मौका नहीं मिलता, मुझे मौका मिला, मैं जेएनयू गया, बीआईटी से करने के बाद जेएनयू गया, जेएनयू से मैं विदेश गया, यूरोप में रिसर्च करने के बाद मैं लौटा, तो यही चीज़ हमारे यहाँ के बहुत सारे छात्र हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डीजी एनालिटिक्स के रिसर्च संस्थान का फॉर्मेशन किया, जो एक तरह का बायो आईटी झारखंड का पहला रिसर्च कंपनी या फर्म आप बोल सकते हैं, जहाँ हमारे यहाँ के सारे कॉलेज के बच्चे रिसर्च सीख रहे हैं, अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा अच्छा रिसर्च करेंगे। जिस झारखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है कि सरकार और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा उसे तराशने की। कम संसाधनों के बावजूद रांची के युवा हर वह मुकाम पाने की तैयारी में है जिससे आने वाले समय में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में झारखंड का नाम रोशन हो सके। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी कौशल नारायण के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।